लोग बात करने जा रहे हैं एमएस एक्सेल के एक अलग फीचर के बारे में, जो कि हम लोग डॉक्यूमेंट के कोलैबोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट कोलैबोरेशन क्या होता है, इसको कैसे यूज करेंगे और वो कौन सा फीचर है, ये सब स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से फायदा हो रहा है और आप ऐसे ही और भी वीडियो देखते रहना चाहते हैं, तो कृपया करके आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके स्क्रीन के ठीक नीचे एक रेड कलर का बटन है, इस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आप इससे कुछ सीख पाए हैं, तो कृपया करके आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट भी डालें। उसके अलावा आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि है ट्रैक चेंजेस। इस फीचर का नाम है ट्रैक चेंजेस। ठीक है, ट्रैक चेंजेस का मतलब क्या होता है, ट्रैक करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ट्रैक करने का मतलब दस कि अगर कुछ चेंज हुआ है तो वो हमको पता चल जाए, कि हम देखते रहे कि क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ट्रैक चेंजेस, मतलब चेंज को ट्रैक करते रहना है, चेंज को देखते रहना कि क्या क्या बदला है। ठीक है, तो मेनली इस फीचर का यूज कब होता है, मान लेते हैं कि जब हम लोग किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपके ने एक बड़ा सा सीट बनाया जिसमें कि बहुत सारा आपने डेटा लिख दिया, और अब आप इस डेटा को भेज रहे हैं किसी और के पास रिव्यू करने के लिए, आप अपने मैनेजर के पास, अपने बॉस के पास, आप अपने किसी दूसरे कलीग के पास, कि भाई मैंने ये पूरा डेटा तो भर दिया है, बना दिया है एक बार, लेकिन आप रिव्यू कर। ठीक है, और इसमें जहां जहां भी लगता है कि कुछ गलत हो गया है, कुछ छूट गया है, कुछ इसको सुधारने की जरूरत है, तो तुम हमको बता। ठीक है, तो अभी क्या है कि मान लेते हैं कि एक सीट हम बोल, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि दूसरा आदमी जो है इसको बदल दे और हमको पता भी नहीं चले कि क्या बदला है। ठीक है, जैसे हम किसी को दिए एक फाइल, अब बोलेंगे कि भाई एक बार देख लो, जो गलत सही लगता है कर दो, लेकिन हम ये चाहते हैं कर तो मत दे, लेकिन हमको पता चल जाए कि जो भी वो चेंजेस किया है, वो क्या क्या चेंज किया है, वो हमको पता चल जाए। और हम, मेरे पास एक ऑप्शन ये भी रहे कि वो चेंज हम रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं, ये हम खुद तय करें। ठीक है, तो सबसे पहला तो चीज ये है कि अगर हम ये फाइल किसी और को दे रहे हैं और वो अगर कुछ इसमें चेंज कर रहा है, और वो चेंज करने के बाद अगर ये फाइल हमको देता है, ठीक है, तो हमको सबसे पहले ये होना चाहिए कि हमको पता चल जाना चाहिए कि भाई इस फाइल में कुछ चेंज किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम क्या फैसिलिटी होना चाहिए कि अगर उस चेंज में से वो सारा का सारा चेंज हम चाहते हैं कि हाँ हम इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, हाँ ठीक है जो चेंज कर दिया वही सही है, हम पुराना वाला चीज हटाओ नया वाला चीज रखो। ठीक है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर पाए, और हम चाहते हैं कि नहीं वो जो लिखा वो तो और गलत है, हम किसी और से रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम रिजेक्ट अगर चाहते हैं, तो हमको रिजेक्ट भी करने का ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए। तो ऐसा ही एक फीचर हमारे पास एमएस एक्सेल में दिया हुआ है। तो मेनली ये जो फीचर है, ये एक से ज्यादा लोगों के पास, जब हम लोग फाइल को शेयर कर रहे हैं रिव्यू करने के लिए और फाइनल डॉक्यूमेंट बनाने से पहले, तो उस समय हम लोग ये फीचर यूज कर सकते हैं, और हम लोग अपने ऑफिस में ये फीचर बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस फीचर को हम लोग यूज करें कैसे। तो इस फीचर को यूज करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, आपको जाना होगा इस रिव्यू मेन्यू में, रिव्यू टैब में। ठीक है, ये कहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस मेन्यू, इस टैब के बारे में, इसका नाम है रिव्यू। ठीक है, ऊपर वाले यहाँ। ठीक है, और इसके अंदर में आप जब जाएंगे तो आपके पास मिलेगा कुछ नया ऑप्शंस, और ये रहा यहाँ पे मेन जो ऑप्शन है वो है ट्रैक चेंजेस। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, मान लेते हैं कि मेरा फाइल, ठीक है, अब हमको जितना भी चेंज करना था हमने चेंज कर लिया, फाइल है, हम फाइल जो है फाइनली बना ली। अब हम चाहते हैं कि इसको हम अपने मैनेजर्स को भेज के पास भेजने से पहले हम चाहते हैं कि हम अपने एक अपने दोस्त के पास भेजें, उसको जो कि मेरे ही साथ काम करता है, और हम चाहते हैं कि एक बार वो भी देखे और एक बार देख के बताते कि सब कुछ सही है कि नहीं। ठीक है, या फिर मान लेते हैं ये फाइल है और इस फाइल के डिटेल का जो है हमको क्लाइंट के पास भेजना है, तो क्लाइंट के पास भेजने से पहले हम चाहते हैं कि हम इसको अपने मैनेजर के पास भेजें, उससे भी एक बार रिव्यू करवा लें, चेक करवा लें, और उसके बाद हम जाकर जो है अपने क्लाइंट को भेजें। ठीक है, तो लेकिन हम ये चाहते हैं कि चेंज जो भी कुछ किया गया है वो हमको पता चल जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इस फाइल में इस ऑप्शन, आपके पास एक ऑप्शन है ट्रैक चेंजेस। ठीक है, इस ऑप्शन में जाएंगे ट्रैक चेंजेस में,
और यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है यह है हाईलाइट चेंजेस, ठीक है, आप क्लिक करेंगे इस हाईलाइट चेंजेस पे, ठीक है। अब हाईलाइट चेंजेस में जो मेन चेकबॉक्स है जो कि आपको चेक करना है वो ये है ट्रैक चेंजेस वाइल एडिटिंग, कि जब भी कोई एडिट करेगा उसमें ट्रैक करना है, उस चेंज को ट्रैक करना है। दिस ऑल्सो शेयर्स योर वर्कबुक। एक्चुअल में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है एमएस एक्सेल में कि डॉक्यूमेंट शेयरिंग का, ठीक है, तो जब आप डॉक्यूमेंट शेयरिंग करेंगे तभी आप ट्रैक चेंजेस कर सकते हैं। तो अभी हम लोग डॉक्यूमेंट शेयर पे पहले हम क्लिक नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्टली आके ट्रैक चेंज पे क्लिक किए हैं। तो ये बोल रहा है कि अगर आप ट्रैक चेंज करेंगे तो डॉक्यूमेंट भी जो है शेयरिंग मोड में आ जाएगा, ये एक मोड है, ठीक है। तो ये जो कि अपना एक्सेल जो है अपना इंटरनली इसको मैनेज करता है कि इसको ताकि समझ में आए ये जो फाइल है शेयर मोड में है, इसको एक से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करना है, ठीक है। और उसका पर्पस ये है कि हम लोग ट्रैक करना चाहें, कुछ भी चेंज करना चाहें, कुछ रिव्यू करना चाहें तो वो सारा काम हम लोग कर पाए, ठीक है। तो बेसिकली आपको शेयरिंग मोड में जाना या ना जाना उससे ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि ये एमएस एक्सेल का इंटरनल लॉजिक के लिए है। आपका मेन जो चीज है, जो आपका मेन फीचर है, वो है ट्रैक चेंजेस। तो हमको इस चेकबॉक्स को जाकर चेक कर देना है और बाकी सब बाकी सारा जो ऑप्शन है उसको आप ऐसे भी एडिटिंग छोड़ सकते हैं और अब जाकर आप कर दीजिए ओके, ठीक है। अब जस्ट एक चीज और ध्यान से यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे हाईलाइट चेंजेस ऑन स्क्रीन और ये टिक किया हुआ है, मतलब जो भी चेंज करेंगे उसको हाईलाइट करना है स्क्रीन पर, ठीक है, और उस चेक किया हुआ उसको अभी जो है चेक रहने देना है और ओके कर दीजिए, ठीक है। और ये बोल रहा है क्या, जब भी आप ये ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये बोल रही है दिस एक्शन विल नाउ सेव द वर्कबुक, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो अभी आप ट्रैक चेंज कर रहे हैं तो ट्रैक चेंज से पहले एमएस एक्सेल ये कंफर्म कर लेना चाहता है कि जो भी कुछ है उसको वो सेव कर लेगा फाइनली। ऐसा नहीं है कि कुछ आप तो लिख तो रखे हैं लेकिन अभी तक आप सेव नहीं किए थे, कंट्रोल ऐसा आप नहीं किए थे, तो अनसेव्ड चेंजेस ये कहीं और नहीं भेजेगा, ठीक है। तो ये प्रिकॉशनरी मेजर एमएस एक्सेल के पास है, जब भी आप इस डॉक्यूमेंट को शेयर करना चाह रहे हैं किसी और के साथ, ट्रैक चेंज करना चाहते हैं, ये बोलता है कि भैया उससे पहले हमको इस डॉक्यूमेंट को जो भी जैसा भी है उसको सेव करना है, तो हाँ सेव करने देते हैं ओके, ठीक है। अब मेरा जो है ट्रैक चेंज जो है इनेबल्ड हो गया है, और अगर आप ध्यान से ऊपर देखिएगा ये डॉक्यूमेंट जो है शेयरिंग मोड में आ गया है और यहाँ पे लिखा हुआ है जहाँ पे फाइल का नाम ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, वहां पे शेयर्ड आ गया, मतलब हमारा जो फाइल है वो शेयरिंग मोड में, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ट्रैक चेंज जो हम लोग क्लिक कर चुके हैं फाइल भी सेव हो गया, अब इससे होता है तो मान लेते हैं यहाँ पे हम लिखा है टीवी, टीवी लिखा है E6 में, और हम इसको बोल देते हैं भैया इसको कर दो प्रिंटर, ठीक है। अब देखिए जैसे हम प्रिंटर लिखे अब क्या हुआ, देखिए तो इस सेल में दिखा रहा है, अगर जाइएगा तो यहाँ लिखा रहा है क्या, लिख के दे रहा है चेंज सेल E6 फ्रॉम टीवी टू प्रिंटर, मतलब E6 में पहले टीवी था प्रिंटर हो गया। उसके अलावा देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, ब्लू बैकग्राउंड ब्लू बॉर्डर आ गया है और एक डॉट भी आ गया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम लोग एक तो सेल चेंज कर लिए, मान लेते हैं एक सेल को हम डिलीट करते हैं, बागी को डिलीट कर दिए। यहाँ पे देखिए चेंज सेल C10 फ्रॉम बागी टू ब्लैंक, पहले बागी लिखा था अब ब्लैंक हो गया है। मान लेते हैं कि अभी हम यहाँ पे एक सेल इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए फिर से पूरा जो सेल इंसर्ट हुआ है पूरा लाइन देखिए बॉर्डर बन गया, ठीक है। और हम इसको एक काम करते हैं यहाँ पे कॉपी करते हैं इसको, कॉपी और इसको हम यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट में आ गया। और हम क्या करते हैं एक रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं, रॉ नंबर 6 को हम डिलीट करते हैं, ठीक है। देख रॉ इंसर्ट भी कर लिए, एक सेल भी डिलीट कर लिए और चेंज भी किए हैं एक जगह पे, ठीक है, तो चेंज भी कर लिए इंसर्ट भी कर लिया, और हमको लगता है उसी कुछ चेंज डिलीट कर दिए जिसमें हम चेंज किए थे सर, तो चलते हैं एक जगह और चेंज कर देते हैं। इस टीवी को हम बनाते हैं रेफ्रिजरेटर, बस केवल समझने के लिए, ठीक है, और एक नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग टेरमा में जाके एक नया रिकॉर्ड ऐड, ठीक है। तो अब जो नया किए हैं तो देखिए जो भी आप चेंज किए हैं, चाहे आप नया लाए या डिलीट किए या मॉडिफाई किए, जो भी कुछ किए हैं सबका सब यहाँ पे हाईलाइट है। इवन कि जो आप रिकॉर्ड को डिलीट किए हैं, जिस रो को डिलीट किए थे वो भी यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। अगर हम वहाँ पे कर्सर ले जाए तो दिखा रहा है डिलीटेड रॉ नंबर 6, डिलीटेड रॉ 6 सब दिखा रहा है, ठीक है। अब ये तो काम हो गया, अब हम इसको सेव कर रहे हैं कंट्रोल एस, मान लेते हैं ये फाइल हम दूसरे को भेजा था कोई सब चेंज कर गया, अब ये सेव कर दिया, अब वो फाइल हमको फिर से भेजेगा, अब ये फाइल मेरे पास आ गया है।
और हम अब जब मेरे पास फाइल आएगा हम ये ओपन करेंगे तो हमको दिखेगा ओ ये सारा इतना सारा कुछ चेंज कर दिया। अच्छा ये यहाँ पे जाके देखेंगे तो चेंज क्या किया है, तो यहाँ पे जब जाएंगे तो दिखा देगा कि भैया A13 में पहले ब्लैंक था अब जो है रिकॉर्ड आ गया है। ठीक है, तो उसी तरह से ये जो सारा आप देखेंगे सारा का सारा वैल्यू जो है आप कहीं भी जाएंगे तो दिखाएगा कि पहले क्या था अब क्या है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में जाइए तो सब दिखाएगा। ठीक है, तो ये तो सब दिखा रहा है, तो हमको ये पता चल गया कि क्या क्या चेंज हुआ है इस डॉक्यूमेंट में, इस एक्सेल सीट में। अब हम लोग फिर से जाते हैं ट्रैक चेंज में, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन एक हाईलाइट हो गया है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस, एक्सेप्ट ऑब्लिक रिजेक्ट चेंजेस। अब इस पे क्लिक कीजिए आप। ठीक है, अभी पूछ रहा है कि यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, नॉट येट रिव्यू जो भी है कि जब अभी तक जो रिव्यू नहीं किए हैं उसके बारे में पूछ रहा है, तो इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत है, आप सीधा ओके पे क्लिक कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं बता देते हैं, विच चेंजेस, आप कौन से चेंज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना चाहते हैं। तो व्हेन पहला है, पहला चेकबॉक्स व्हेन, नॉट येट रिव्यू, आपके पास दो ऑप्शन है कि किसको आप, तो बोल रहे हैं जो भी चीज आप रिव्यू नहीं किए हैं वो सब आप उनको दिखा, और दूसरा है कि सिंस डेट भी है, डेट के हिसाब से भी ये कर सकता है। तो चलिए अभी हम नॉट येट रिव्यू रखते हैं। नेक्स्ट हु, किसने चेंज किया है, यहाँ पे एवरीवन बट मी एंड आई, एक नंबर लिखा हुआ है, तो अभी हम एवरीवन रख लेते हैं कि कौन चेंज किया, किसके चेंज को आप रिव्यू करना चाहते हैं। ठीक है, किसके चेंज को आप रिव्यू करना चाहते हैं, तो बेसिकली जब आप किसी इस फाइल को किसी और के पास भेजेगा तो उसका भी यूजर आईडी होता है, और उसके कंप्यूटर में जब जाएगा तो फिलहाल वो एक अलग से टॉपिक है, हम लोग बाद में कभी बात करेंगे उस टॉपिक पे। फिलहाल हम लोग ये बोल रहे हैं कि इसको बाकी कुछ भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग अभी जाके ओके पे क्लिक करेंगे। और अब देखिए ये वन बाय वन जो भी आपके फाइल में चेंज हुआ है वो सब दिखाएगा। जैसे सबसे पहला चीज, जैसे हम ओके कर दिए, ओके करने के बाद ये विंडो आ गया, अब इसमें दिखा रहा है चेंज्ड E6 फ्रॉम टीवी टू प्रिंटर, E6 में पहले टीवी था प्रिंटर हो गया है, चूज रिजेक्ट विल ऑल्सो रिजेक्ट द फॉलोइंग। ठीक है, तो अभी पूछ रहा है कि अगर हम रिजेक्ट करेंगे डिलीटेड रॉ नंबर 6, हम रॉ नंबर 6 में ही दोनों काम किए हैं। ठीक है, अगर हम रिजेक्ट करेंगे तो दो चीज दिखा रहा है कि हम इस रो को डिलीट किया गया है और टीवी को प्रिंटर किया गया। ठीक है, अगर हम इसको एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होगा कि भाई रॉ नंबर 6 जो है डिलीट था, डिलीटेड रह गया, अब दूसरा है वो डिलीट हो गया। तो ठीक है, क्योंकि हम एक ही चीज दो में कर दिए थे, तो रो जो है डिलीट हो गया, और लेकिन उसमें चेंज हुआ था, चेंज हुआ कि नहीं वो आपको नहीं दिख पाएगा क्योंकि हम रो तो डिलीट हो गया और हम इसको एक्सेप्ट भी कर लिए। ठीक है, चलिए अब दूसरा वाला, अभी क्या दिखा रहा है, चेंज C9 फ्रॉम बागी टू ब्लैंक, हम बोलते हैं इसको रिजेक्ट करो, हमको ये ब्लैंक नहीं चाहिए, हमको बागी चाहिए, तो रिजेक्ट। तो देखिए बागी आ गया। अब यहाँ पे इंसर्टेड रो नंबर टेन को इंसर्ट किए हैं, ये नया रिकॉर्ड आ गया, हमको चाहिए ये, नहीं चाहिए तो रिजेक्ट, तो वो रो नंबर 10 गायब। ठीक है, अब डिलीटेड रो नंबर 6, अरे मेरे पास फिर से आ रहा है डिलीटेड रो नंबर 6, हम लगता है डिलीटेड रो नंबर 6 जो है पहले चेंज किए थे वो, फिर ये किए थे, मतलब जिस सीक्वेंस में किए थे वो इसी सीक्वेंस में दिखा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीटेड रॉ नंबर 6, तो हम लोग रॉ नंबर 6 को डिलीट किए थे, अभी हम बोल रहे हैं, अभी हमसे पूछ रहा है एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, तो हम लोग बोलते हैं कि भैया आशा करो डिलीट वाला जो है उसको रिजेक्ट कर, तो रिजेक्ट कर देंगे, तो रॉ नंबर 6 जो डिलीट किए थे वो आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप चाहें तो जितना भी कुछ आप या तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि बाकी सबको हम रिजेक्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि मेरा फाइल जैसा था वैसा हो जाए फिर से, तो हम सबको रिजेक्ट कर सकते हैं, या हम चाहे तो एक ही बार में रिजेक्ट ऑल, या सब अगर हमको एक्सेप्ट करना है तो एक ही बार में एक्सेप्ट ऑल भी कर सकते हैं। अब अभी हम रिजेक्ट ऑल कर देते हैं, तो जो मेरा जैसा फाइल था वैसा हो गया,
और यहाँ पे पूछ रहा है रिजेक्ट ऑल, क्योंकि थोड़ा सा खतरनाक है, इक्विपमेंट में सब हो रहा है, तो हमसे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू रिजेक्ट द रिमेनिंग 7 चेंजेस विदाउट रिव्यूइंग देम, बट आप तो रिव्यू भी नहीं किए, गए भी नहीं, आप क्या सबको एक बार रिजेक्ट करना चाहते हैं? हाँ कर दिया, ठीक है ओके, तो सबका सब रिजेक्ट हो गया, ठीक है। और अब हम लोग को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ट्रैक चेंज को बंद कर दो, तो हम लोग हाईलाइट में जाएंगे और इस ट्रैक चेंज का जो चेकबॉक्स था उसको हटा देंगे और ओके। और अब ये बोलेगा कि ये जो आप हटा उठा रहे हो, ये बोल रहा है दिस एक्शन विल रिमूव द वर्कबुक फ्रॉम शेयर्ड यूज, तो जैसे ही ट्रैक चेंजेस हटाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो शेयर्ड में चला गया था वो शेयरिंग वाला भी हट जाएगा। द चेंजेस चेंज हिस्ट्री विल बी इरेज, जो चेंज हिस्ट्री ये मेंटेन करके रखा था तभी तो आपको बता रहा था कि भाई ये डिलीट हुआ, ये इंसर्ट हुआ, ये चेंज हुआ जो भी, तो ये जो चेंज हिस्ट्री है वो भी हट जाएगा। एंड अदर यूजर्स हु आर एडिटिंग दिस वर्कबुक विल नॉट बी एबल टू सेव देयर चेंजेस, अगर इस डॉक्यूमेंट को एक से ज्यादा लोग एक साथ में एडिट कर रहे हैं तो वो लोग सेव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट अब शेयरिंग मोड में नहीं है, ठीक है। इवन इफ यू शेयर दिस वर्कबुक अगेन, अगर फिर से भी आप शेयर करेंगे, फिर भी वो जो आप जो चला गया तो चला गया, अब जब फिर से शेयरिंग मोड में जाएगा तो ये फिर से एक नया कॉपी होगा, उनको फिर से कुछ करना पड़ेगा, तो पुराना वाला शेयरिंग मोड जो है वो खत्म होने वाला है। तो अब हम बोल रहे हैं ठीक है ओके कर देते हैं, यस। तो शेयरिंग मोड खत्म हो गया, ट्रैक चेंजेस जो भी था खत्म हो गया, अब आप कुछ भी चेंज करेंगे तो वो ट्रैक नहीं होगा, जैसे टीवी को आप प्रिंटर करते हैं तो वो हाईलाइट वगैरह जो भी हो रहा था वो नहीं होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये ट्रैक चेंजेस समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इस ट्रैक चेंजेस से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपना कमेंट भी डालिए कि जो आपको कैसा लगा, आप इससे कुछ समझ पाए, कुछ सीख पाए या नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपके ठीक आपके स्क्रीन के ठीक नीचे एक रेड कलर के बॉक्स में सब्सक्राइब बटन है, उस बटन को आप जरूर क्लिक कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है, आपको इससे कोई भी फायदा हुआ है, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जिस भी माध्यम से आप इसको शेयर कर सकते हैं, आप कृपया इसे शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और अब हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।